हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मेरे हस्बैंड जिद करने लगे थे कि मुझे फ्रेंकी खाना है। मेरे लंच बॉक्स में आज फ्रेंकी ही बनाना, लेकिन मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आज आपको हेल्दी खाना मिलेगा। रोज़ रोज़ आपकी फरमाइशें पूरी होती रहती हैं, पर आज आपको मेरे फेवरेट, यानी कि मेरा फेवरेट तो नहीं कहेंगे, पर हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अगर हम ऐसी वैसी चीज़ें कभी कभी खाते हैं तो चलता है, पर अगर डेली डेली ऐसी वैसी चीज़ें खाते रहेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैंने उनसे बोला कि आज तो आपको यही बीन्स की सब्ज़ी खानी पड़ेगी लंच बॉक्स में। तो वो मुँह फुला के बैठ गए। तो मैंने कहा आप एक बार ट्राई करके देखिए, मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ और बहुत यम्मी लगेगा। अगर अच्छा ना लगे ना तो मैं आपके लिए फ्रेंकी बना दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने क्या, फटाफट से मैंने निकाली और फ्रिज से निकाली। मैंने पहले से ये रात को ही मैं कट करके रख देती हूँ बीन्स, कोई भी फली होती है तो, क्योंकि सुबह मुझे नहीं टाइम मिलता है कट करने का। तो एकदम बारीक मैंने कट कर दी और उसके बाद मैंने प्याज लहसुन वो सब कट करके छौंक दी है बीन्स की सब्ज़ी, और हमने तेल में ही बीन्स को भी डाल दिया है। और उसके बाद हमने इसमें हल्दी और नमक भी डाल दिया है। इसमें हम आलू नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है और उनको हम खिलाएंगे हेल्दी खाना। तो आप लोग भी अपने घर के बच्चों को, बड़ों को कभी कभी तो ऐसा खाना, हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। तो टमाटर भी मैंने कट कर लिए थे, तो टमाटर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको ढक देंगे बिल्कुल एकदम, गैस को कर देंगे स्लो और एकदम पूरा कवर कर देंगे सब्ज़ी को। पानी अभी हमने एक बूंद भी नहीं डाला और तेल भी हम जितना यूज़ करते हैं ना उससे कम ही करना है इसमें, क्योंकि सब्ज़ी आपकी पक जाती है फिर ज़्यादा ऑयली लगती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भाकरी। भाकरी पता है भाकरी क्या होता है? जो गुजरात के बहुत लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भाकरी क्या होता है। भाकरी जो हमारा आटा होता है ना, आटे से थोड़ा सा मोटा आटा हम लोग पिसवाते हैं, फिर उसमें एक चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक डाल के टाइटली आटा गूंथ लेते हैं, फिर उससे थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनाते हैं और तब तक हम सब्जी भी अपनी बराबर चलाते रहेंगे। तो आज मैंने अपने हस्बैंड की एक भी नहीं सुनी और उनके लिए बनाया हेल्दी लंच बॉक्स। और उन्होंने फिर बाद में खाया ना तो उन्होंने बोला सच बता रही तूने, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे वो मना कर रहे थे लेकिन वो चाट चाट कर खा गए। तो बाद में मेरी तारीफ ही कर रहे थे कि तूने सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई। तो कभी कभी नई नई चीज़ें भी हमको ट्राई कर लेनी चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते कि वो सब्ज़ी खाएंगे नहीं, लेकिन अब हर सब्ज़ी का अपना एक अलग ही स्वाद होता है और अलग ही एक, कहते हैं ना कि हर चीज़ में प्रोटीन विटामिन भर भर के होती है, तो आप हरी सब्ज़ी तो खानी चाहिए, खासकर जो बीन्स होती है वो। तो चलिए इस तरीके से, ये थोड़ा टाइटली आटा है तो इसकी इसी तरीके से लोई बनेगी। इस तरीके से थोड़ा मोटा लेंगे हम लोई, और हमने थोड़ा सा अलग अपने लिए गेहूं का आटा लगाया है क्योंकि आज भाकरी का आटा थोड़ा कम था। तो तीन भाकरी बना लूँगी और दो तीन रोटी बनाऊँगी मैं मेरे लिए, ठीक है, और अपने हस्बैंड के लिए। ये देख लीजिए, उन्होंने बोला मुझे भाकरी खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आधी फरमाइश आपकी पूरी कर देते हैं, बस भाकरी आपकी पसंद की, सब्ज़ी मेरे पसंद की। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं बस लग गई बनाने में। तो आप लोग बताना कि आप लोग क्या टिफ़िन बॉक्स में देते हो। देखो रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें तो हम कहाँ से ला सकते हैं। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि रोज़ नई नई सब्ज़ी, अलग अलग सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती ना वो चीज़ भी मैं उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर सब्ज़ी में अलग अलग प्रोटीन विटामिन होता है तो हर सब्ज़ी थोड़ी बहुत खानी चाहिए। तो चलिए फटाफट से मैं सारी रोटियाँ ये सेक लेती हूँ, इस तरीके से सेकी जाती है ये। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और डेली टिफिन बॉक्स, लंच डिनर ब्रेकफास्ट देखना चाहते हो ना ऐसी रेसिपी, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो मैं एक मिडिल क्लास की हाउसवाइफ हूँ, तो मैं हाई क्लास का कुछ भी नहीं दिखा सकती। अगर आप लोग सोचो ऐसा वैसा, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब चीज़ें रियल दिखाती हूँ मैं, कुछ भी दिखावा नहीं करती हूँ, ठीक है। और ये हमारा किराए का घर है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। और ब्लॉग भी है, मेरा ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है डेली ब्लॉगर सुमन। तो आप लोग जाइए, आप लोग देखिएगा डेली ब्लॉगर सुमन को, उसमें मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। तो सब्ज़ी को भी हम बराबर चलाते रहेंगे और लगभग हमारी फली पकने को आ गई है। ये देख लीजिए, हमने बहुत कम तेल डाला था फिर भी अच्छे से पकने को आ गई हैं। टमाटर तो बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, चलाते चलाते थोड़ी थोड़ी देर बाद अब थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे
जिससे कि अगर कच्ची रह जाए ना फली तो वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए अब इसको फिर से ढक के रख देते हैं, तब तक हम बना लेंगे अपनी रोटी। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, जिस जिसको भूख लगी है फटाफट से आ जाइए, और मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाकरी किस किस को पता, मतलब किस किस को पता है, किसने खाई है, कौन जानता है, किसको नहीं पता है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, ये देख लीजिए। तो चलिए मैं बना दे रही हूँ फटाफट फटाफट से, वरना लेट हो जाएगा ना तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है। और फिर उनका करना है मुझे टिफिन पैक, और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।